इन सारी जो मस्जिदें जो मकबरे कब्जा किए जा रहे हैं, इनको इंसाफ का तकाजा ये है कि इनको तुरंत जो है ये उनके ट्रस्टीज के हवाले किया जाए। वहां लोग जाके चरस पीते हैं, लड़की लड़के बैठते हैं, गंदी है। बीबी के मकबरे में भी मस्जिद नमाज पढ़ने की आज्ञा दी जाए मंत्री महोदय। अल्पसंख्यक समाज भीति मध्ये आहे कि वो असुरक्षित है, असं जे सन्मान्य सदस्य आपोजी साहब म्हटले तसं बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट ने स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार दिली की अशा पद्धतीने नशाबाज करणारे लोक येतात, दारू पिणारे, गंजा ओढणारे लोक तिथे येतात। ट्रस्टनी जर तक्रार आमच्याकडे पोलिसांकडे दिली तर चौकशी करून अशा लोकांवर सुद्धा कारवाई केली जाईल। माननीय अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया लेकिन जवाब बड़ा गोलमोल है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुस्लिम समाज में अपनी जमीनें लोग वक्फ बोर्ड को देते हैं, मस्जिद के लिए, यतीम खाने के लिए, मकबरे के लिए, दरगाहों के लिए। अध्यक्ष महोदय, मामला ये अहमदनगर की दो बोटी चीरा मस्जिद, हुसैनी मस्जिद। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अल्लाह खान उर्फ कल्लन मस्जिद, रोमी खान मस्जिद, बहुत सारी मस्जिदें, एक दो मस्जिद नहीं, इन सारी मस्जिदों पर कहीं पुलिस स्टेशन बना हुआ है, कहीं कोतवाली बनी हुई है, कहीं कारपोरेशन का ऑफिस बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हुसैनी मस्जिद की जगह जो सीटीएस नंबर 3849 और 3850 में जवाब दिया गया है, वफ की जगह इस पे जो है हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक अहमद नगर को वहां पुलिस स्टेशन बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, 3 माले का पुलिस स्टेशन बन गया लेकिन जगह अभी तक वापस नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं मौजे धरण गांव में एक वहां पे एक मकबरा है, उस मकबरे को जो है जलगांव के अंदर 1148/2 दरगाह हजरत अहमद शाह कमाली डोंगरी बाबा, 600 साल पुरानी मस्जिद, उसको परमिशन मिला बनाने के लिए और अभी उस जिसने परमिशन दिया उसने उसको तोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से राहुरी अहमदनगर में कनोबा देव उर्फ हजरत बाबा रमजान दरगाह, पुरानी 800-1200 साल पुरानी, वक्फ बोर्ड में वह रजिस्टर्ड है लेकिन वहां कुछ लोग जाकर जबरदस्ती पूजा कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कमजोर है, आपको कमजोर को जरा मदद मिलना चाहिए। अध्यक्ष मैं पूछ रहा हूँ, मेरा कहना है इसी तरह से बीबी का मकबरा है, अध्यक्ष महोदय बीबी के मकबरे के नीचे कहते हैं ऐसा मंदिर है, वहां पर नमाज नहीं हो रही। मेरा कहना है कि इन सारी जो मस्जिदें जो मकबरे कब्जा किए जा रहे हैं, इनको इंसाफ का तकाजा ये है कि इनको तुरंत जो है ये उनके ट्रस्टीज के हवाले किया जाए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज देखिए, हम मुस्लिम समाज में नमाज घर में पढ़ना मना है, मस्जिद में पढ़ने की कोशिश करो, मस्जिदें कम है, ये सब मस्जिदें, बीबी के मकबरा में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां लोग जाके चरस पीते हैं, लड़की लड़के बैठते हैं, गंदी है। बीबी के मकबरे में भी मस्जिद नमाज पढ़ने की आज्ञा दी जाए मंत्री महोदय। जो मस्जिदें दूसरे कब्जे में है सो खाली करा जाए। एक जो अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दरगाहों के जो मस्जिदों जो इसके ट्रस्टीज हैं, इनकी एक हाई कमेटी बनाई जाए, हाई पावर कमेटी बना करके इन चीजों का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाए। और जिन दरगाहों पर इलीगल जाकर झंडे लगा रहे हैं, वहां पे गिरुआ रंग पोत रहे हैं, इस पे आप जरा पुलिस स्टेशन से बोल करके कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये जो झगड़े हो रहे हैं इसको बंद करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य आबू आजमी साहेबांनी या ठिकाणी चार महत्त्वाच्या जागांच्या बाबतीतला किंवा मशिदींच्या बाबतीतला या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केला। अहमदनगर शहरामधल्या दो बोटी चिरा मशीद जी या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सिटी सर्वे क्रमांक 5029 तसेच 5030 या ठिकाणी सिटी सर्वे क्रमांक 5007 मध्ये सरजा खान पॅलेस न्यायालयाची इमारत आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुसैनी मस्जिद या बाबतीत मध्यंतरीच्या काळात न्यायालयाकडे काही बाबी प्रलंबित होत्या, न्यायालयातला न्यायाधिकरणाकडचा दावा प्रलंबित होता, परंतु त्या दाव्याचा निकाल जो काही लागेल तो निकाल त्या निकालाच्या अधीन राहून माननीय उच्च न्यायालयाने सन्माननीय अध्यक्ष महोदय सिटी सदर सिटीएस क्रमांक 3839 वर बांधकाम करायला उच्च न्यायालयाने या ठिकाणी परवानगी दिलेली, त्या ठिकाणी
आपण ज्याचा उल्लेख केला त्याप्रमाणे पोलिसांचं कार्यालय या ठिकाणी आपले आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, बाबा बंगाली दर्गा हा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत झालेला आहे, तथापि त्याच्यामधल्या जे काही दोन सिटी सर्वे नंबर आहेत त्याच्यात मूळ मालक सदरी या ठिकाणी कलेक्टर अशा आणि त्यांच्याकडील कर्मचारी अशा पद्धतीची नोंद त्या मूळ दस्तऐवजामध्ये आहे आणि त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचा त्या ठिकाणी ताबा आहे। आणि राहता राहिला प्रश्न रुमी खान दर्गा जो या ठिकाणी आहे त्याच्या बाबतीतलं वक्फ बोर्डाकडे वक्फ बोर्डामार्फत त्यांचं न्यायाधिकरणाकडे संस्थेनं नोंदणीकृत करण्यासाठीचा या ठिकाणी प्रस्ताव दर्ग्याचा दिलेला आहे, त्याची सुद्धा पडताळणी त्या स्तरावरती सन्माननीय अध्यक्ष महाराज सुरू आहे। सरकारी इमारतींमध्ये सरकारी इमारतींनी किंवा पोलीस अधीक्षक असतील, जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल, यांनी कुठेही त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महाराज अतिक्रमण केलेलं नाही, परंतु हद्दी जवळजवळ असल्यामुळं कदाचित दर्ग्यातल्या ट्रस्टी लोकांची आणि शेजारी असणाऱ्या शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची काही ठिकाणी थोडस तक्रारी किंवा अडचणी असू शकतात। या बाबतीत सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता जर तशी असेल तर मोजणी करून घेतली जाईल, हद्दी नक्की केले जातील आणि मग मशिदीची हद्द कुठली पोलीस अधीक्षक असेल किंवा सरकारी कार्यालय असतील त्यांची हद्द कुठली या हद्दी निश्चित केल्या जातील। अल्पसंख्याक समाज भीतीमध्ये आहे किंवा असुरक्षित आहे असं जे सन्मान्य सदस्य आबूआजमी साहेब म्हटले तसं बिलकुल नाही, त्या समाजाला सुद्धा निश्चितपणानं सुरक्षित राहण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना करायच्या त्या आम्ही करू। सन्मान्य सदस्य आबूआजमी साहेब म्हटले की दर्ग्यामध्ये जाऊन मशिदीमध्ये जाऊन लोक चरस पितात, गांजा पितात, नशापान करतात, खरं वास्तविक त्या दर्ग्यांचं देखभाल दुरुस्तीचं काम ज्या ट्रस्टच्या हातामध्ये आहे त्यांचीही जबाबदारी आहे की आपल्या ठिकाणी सुरक्षित असलं पाहिजे, कंपाऊंड असलं पाहिजे, दरवाजा असला पाहिजे, काही वेळ उघड ठेवणं, बाकीच्या वेळी त्या बंद ठेवणं, जे काही तुमचे नियम असतील ते, पण तरी सुद्धा ट्रस्टीच्या जर मॅनेजमेंटनी स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार दिली की अशा पद्धतीने नशाबाज करणारे लोक येतात, दारू पिणारे, गंजा ओढणारे लोक तिथे येतात, ट्रस्टनी जर तक्रार आमच्याकडे पोलिसांकडे दिली तर चौकशी करून अशा लोकांवर सुद्धा कारवाई केली जाईल।